हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गदर 2 मूवी के कुछ मेकिंग बिहाइंड द सीन्स को जानेंगे और साथ ही जानेंगे इस मूवी को कैसे और कहां कहां शूट किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी तो आप सभी को पता चलेगा आखिर इस मूवी को कैसे और कहां कहां शूट किया गया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, इस मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें ऊर्जा काले कावा सॉन्ग सुनने को मिलती है। आप यहां इस सॉन्ग के शूटिंग के समय सनी देओल को वायलिन बजाते हुए देख सकते हैं और साथ ही आप अमीषा पटेल को भी इस सॉन्ग के शूटिंग के दौरान देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप सब ने गदर एक प्रेम कथा मूवी को देखा होगा तो आपको यह जरूर पता होगा कि यह सॉन्ग इसी मूवी का एक रीमेक वर्जन है, जिसे कि भारत के मशहूर सिंगर उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया था। उस समय में इस सॉन्ग को लोगों के द्वारा इतना ज्यादा पसंद किया गया कि मूवी मेकर ने इसे गदर 2 मूवी में भी रीमेक कर दिया। दोस्तों, फिर इसके अलावा आप लोगों ने इस मूवी का एक और सुपरहिट सॉन्ग मैं निकला गड्डी लेके तो जरूर सुना होगा और आप यहां इस सॉन्ग के शूटिंग के समय सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा को देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस सॉन्ग को शूट करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स को हायर किया गया था और इसका एक प्रॉपर सेट तैयार किया गया था, तभी जाकर इसकी शूटिंग हो पाई थी। वैसे ये सॉन्ग भी रीमेक ही है, जिसे कि उदित नारायण ने ही गाया है और इस सॉन्ग का कोरियोग्राफी सबीना खान के द्वारा किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने इस मूवी का एक और सुपरहिट चल तेरे इश्क में सॉन्ग तो जरूर सुने होंगे। वैसे इस सॉन्ग में उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर जैसे कलाकार हैं और ये सॉन्ग किसी भी तरह का रीमेक नहीं है, जिसके कुछ शूटिंग बिहाइंड द सीन को आप यहां देख सकते हैं। वैसे इस सॉन्ग को नीति मोहन, विशाल मिश्रा और शहनाज अख्तर ने गाया है और इस सॉन्ग को लोगों के द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी गदर 2 मूवी के सभी सॉन्ग के कुछ मेकिंग बिहाइंड द सीन्स और इसका कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। और दोस्तों, इन तीनों ही सॉन्ग में आपको इसका कौन सा सॉन्ग सबसे अच्छा लगा, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।